हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, ये पीस जो आप देख रहे हैं ये कलमकारी की हुई एक फैब्रिक के ऊपर काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन है और एक कस्टमर की है और इसके ज़रिए हम आज एप्लिक वर्क करेंगे और एक ब्लाउज़ काफ़ी अच्छे से तैयार करने वाले हैं। तो देखिए इसमें किस तरीके से हम कटवर्क करके इसको एप्लिक करेंगे। और अब तक आपने एप्लिक वर्क देखे होंगे लेकिन कलमकारी एप्लिक वर्क नहीं देखे होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताया भी है। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम काट के निकाल लेंगे अंदर से, क्योंकि हमें एप्लिक में ये कलरफुल जो लीफ और फ्लावर है उनको निकालने होंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और इसको कटवर्क करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावर और लीफ आपको इस डिज़ाइन में दिखने को मिलेंगे और इन्हीं डिज़ाइन को हम अपने ब्लाउज के पीस पे अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग फ्रंट नेक का डिज़ाइन एप्लिक देखेंगे और बैक नेक काफ़ी प्रिटी है जो कि मैंने बना दिया है और आप फाइनल रिज़ल्ट में वीडियो के एंड में देखेंगे। तो इसमें से हम पहले ये देखेंगे कि हमारा जो शेप है वो यू शेप है और इसके अकॉर्डिंग हम इस एप्लिक में से यू शेप का एक कट पीस करेंगे और उसी पीस को हम उस पर अटैच करेंगे। तो ये वाला साइड जो है हम उस पर अटैच करने वाले हैं क्योंकि ये उसके लिए सूटेबल है। तो चलिए अब इसको हम इस पर पैच करेंगे और आपको भी बताएंगे कि मशीन वर्क से कलमकारी एप्लिक वर्क कैसे किया जाता है जिस पे हम बाद में डिज़ाइन भी डेकोरेट करेंगे। तो हमने 14 नंबर के फ्रेम में इसको लिया है और इसमें हम एप्लिक वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्टिव शेप को कट कर लेंगे, जहाँ से हमने डिसाइड किया हुआ है वहाँ से कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको रख के एक बार देख लेंगे कि इसका शेप हमें कहाँ तक चाहिए और कहाँ से हमको इसको कट करना है। देखिए यहाँ से ये एक्स्ट्रा हो रहा था क्योंकि ये शोल्डर से बाहर हो रहा था, इसके लिए हमें यहाँ से भी कट करना पड़ा। तो ये हमारे कट पीस हैं और इसी तरीके से आपको जो भी एक्स्ट्रा लगें वो काट के आप निकाल दें। तो ये फाइनल हमने जो डिसाइड किया है कि हमें इतना ही रखना है, तो ये हो गया फाइनल और ये फाइनल लुक है, बस इतना ही रखना है। और अब इसको आउटिंग करना है, तो आउटिंग करने पे ये क्या है कि खिसकता है, जैसे कि आप आउटिंग करेंगे तो ये कटवर्क इधर का उधर हो सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहें तो इसको नीडल से पिन कर सकते हैं, थोड़े बहुत इसमें जो लीफ हैं उनको या फ्लावर को आप पिन करके इसको सेट कर सकते हैं ताकि ये खिसके ना। और अगर आप पिन नहीं करना चाहते हैं और आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू लगा दें इसके अंदर नीचे से, मतलब और ग्लू लगा के इसको चिपका दें मेन फैब्रिक पे। तो इससे क्या है कि ये परफेक्ट अपनी जगह पर रहेगा और आप जब आउटिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से आप इसको चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी आउटिंग करने वाले हैं। तो आउटिंग करने से पहले आप कलमकारी की आउटिंग देखने कि कौन से कलर का है, उसी कलर का आपको धागा लेना है। तो यहाँ पे ब्राउन है तो ब्राउन धागा हमने लिया हुआ है। तो चलिए सिंगल टाके से हम यानी कि 0 नंबर से आउटिंग कर लेंगे। और आउटिंग करने के टाइम आप ये ध्यान दें कि आपकी जो आउटलाइन हो रही है वो काफ़ी फिनिशिंग तरीके से हो, ज़्यादा वो पैस से उतरे ना और ना ही वो आपके डिज़ाइन के ऊपर जाए। तो इससे क्या है कि आपकी फिनिशिंग पैच की जो है कि वो काफ़ी अच्छी दिखेगी, तो इस पर आप ध्यान दें। तो देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी फिनिशिंग तरीके से इसको पैच कर लिया है। अब इस पर हम 2 नंबर के ब्रेक से आउटलाइन करने वाले हैं और उसी डार्क शेप पे जो कलमकारी की आउटलाइन हुई है उसी डार्क शेप पे हमको इसको धागे को चलाना है। और कोशिश ये करना है कि साइड से कपड़ा बिल्कुल छुप जाए, बिल्कुल बाहर ना दिखे। तो इससे क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से पैच हो जाता है तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखती है और लुक वाइज डिज़ाइन आपका काफ़ी इम्प्रेसिव दिखता है। तो इसी तरीके से सारे लीफ एंड फ्लावर पे हम इसको एप्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो है
कटवर्क करना है, क्योंकि ये फ्रंट नेक है तो कटवर्क एक आउटलाइन बनानी है। देखिए यहाँ पे हम ये जो आउटलाइन करेंगे इसको बाद में कटवर्क करनी है, तो इसके लिए हम इसको आउटलाइन थोड़ा जाड़े में करेंगे और ये फाइनल कटवर्क होगा जो कि हमारे नेक का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ये कटवर्क डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब ये आउटलाइन होने के बाद थोड़ा इसको हम डेकोरेट करेंगे और इसके लीफ के ऊपर हम थोड़ा आउटलाइन अंडर शेप करके और इसके बाद हम इस पर कुछ जरी का भी यूज़ करेंगे और जरी थ्रेड से इस लीफ के बीच में जो है कि थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, जिससे कि इसका लुक थोड़ा और हाइलाइटेड होगा। तो इन फ्लावर्स के अंदर भी हम थोड़ा जरी का टचअप दे देंगे, जिससे कि ये काफ़ी और भी अच्छे लुक में नज़र आएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लीफ के अंदर जरी और फ्लावर्स में जरी अंदर से आउटिंग कर दे रहे हैं और इनसे ये काफ़ी अच्छे से हाइलाइटेड हो जा रहे हैं। और नॉर्मल जब आप एप्लिक वर्क करते हैं तो उस पर इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती है, वो अलग तरीके का शेप और पैटर्न आपका होता है। लेकिन ये जो कलमकारी होता है, कलमकारी पे ऑलरेडी इस पर पैटर्न बने होते हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इस पर डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी जरी या मिरर से। आप इसमें किसी भी तरीके का थ्रेड और मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी बनने के बाद खूबसूरत लगते हैं ऐसे जो कलमकारी के डिज़ाइन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनल हो गया है और ये नेक का जो फ्रंट नेक है और वहाँ पे हमने ये कलमकारी का पैच वर्क किया और उसको बनाया। अब इसमें आप देखें ये स्लीव है और स्लीव को मैंने इस तरीके से बनाया है और ये बैक नेक है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। ये आपने देखा किस तरीके से कलमकारी को एप्लिक करके उसके ऊपर वर्क हुआ। और ये जो बैक नेक है ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था पहले। देखिए इसमें पीकॉक का भी डिज़ाइन है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरीके की और भी खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इस चैनल पे लर्निंग वीडियोस भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। और आप जान एम्ब्रॉयडरी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।